मनुष्य के अंदर का जो क्रोध है वो कैसे अपने सहित सभी का कितना विनाश कर देता है, लेकिन जो विवेकवान है, चाहे वो छोटी जाति का क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास समझ है कि ये विकार, ये आदतें, जो स्वभाव कितना सबको कष्ट पहुंचा रही हैं, तो संत को भी उस चांडाल से समझ मिल गई कि मैं तो जाति का चांडाल हूँ, जो तुम्हारे अंदर क्रोध है वो चांडालों का भी चांडाल है। लेकिन हैरानी तो ये होती है, मनुष्य जानता है लेकिन सर के ऊपर गुरु का डंडा नहीं होता, भय नहीं होता, किसी के प्रति आदर सत्कार की भावना नहीं होती, तो हम अपने ही स्वभाव संस्कार आदतों के अधीन रहते हैं। फिर जब सर के ऊपर कुछ पड़ता है तो कर क्या सकते हैं। गुरु जी कहते थे पानी बह गया तो उस पानी को पकड़ नहीं सकते, अब उस दलदल में इंतजार करो, सूरज की धूप ही उस दलदल को सुखा सकती है, बाकी कोई नहीं सुखा सकता। तो ये रोज कसम के लिए बहुत जरूरी है कि सत्संग दिखता बहुत साधारण है लेकिन है बहुत असाधारण। हर दिन हमारा विवेक जागृत होता है, हर दिन हमको नई समझ, नई सोच, नई दिशा मिलती है कि किस तरीके से तुमको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। बड़ी अच्छी इसमें बात है, बोला है एक सरा विशेष चेतन जी रहा है, विशेष चेतन चैतन्यता का अनुभव किसको होता है, जो ज्ञान में आकर अपने आप को ज्ञान के अनुसार चलाता है कि मेरे जीवन का कल्याण इन्हीं वचनों के द्वारा ही होना है। तो बड़ी अच्छी इसमें बात है, दो प्रकार का चेतन होता है, एक सामान्य दूसरा विशेष। विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है, अर्थात बाधक है। सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है, साधक तो है लेकिन अज्ञान का साधक है। मतलब हमारी समझ है मैं जैसा हूं ठीक हूं, जैसा हूं मैं देह हूं, लेकिन ज्ञान में तुम्हारे पिछले संस्कार ही लेकर आते हैं यहाँ पर। सत्संग में आकर रोज ये प्रार्थना करो, रोज ये निश्चय करो, ये जागृत स्थान मुझसे कभी ना छूटे, क्योंकि दुनिया में बहुत अंधेरा है। अगर बहुत अमीरी है तो भी अंधेरा है, उनको दिखता नहीं है। बहुत गरीबी है तो भी अंधेरा है, उनको केवल पेट की रोटी ही जुटानी है। लेकिन जो एक सामान्य है मनुष्य, भगवान ने गीता में बोला है मेरे इस स्वरूप को ना देवता जानते हैं ना दानव जानते हैं। देवता माना जिनके पास समस्त इंद्रियों का सुख, इंद्र माना कौन, जिसके पास इंद्रियों का सुख है, मन में आया खाया, मन में आया पिया, मन में आया घूमा, मन में आया बोला, मन में आया जो मन मानी। और दानव माना जो अपने सहित सबको दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। तो देव और दानव दोनों के बीच का जो एक स्तर होता है वो होता है मानव का, मनुष्य। तो अब मनुष्य के अंदर में
बुद्धि भी है और विवेक भी है। 84 लाख योनियों में भगवान ने मनुष्य को अपनी प्राप्ति का अधिकार दे रखा है। तो कितना क्लियर कर दिया कि जो विशेष चेतन है, जो ज्ञानवान है, जो जागृत पुरुष है, वो अज्ञान माना वो शरीर के तल पर नहीं जीता है। शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार तुमको मिला है, इसको खराब करते हो अपने अज्ञान के कारण। मन की मर्जी उल्टी तेरी, जिसने बंधन डाले इसीलिए फरमाया गुरु ने मन को समझा ले। मन जिस जीत लिया मान जगत बिच पाया। तो संतों के संग रहकर तुम्हारे अंदर का ज्ञान धीरे 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 खत्म हो जाता है। अब दूसरी बात बोला, जैसे अग्नि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य अग्नि दूसरी विशेष अग्नि। सामान्य अग्नि तो सब कास्टों में व्याप्त है, व्यापक है, लकड़ी में है। तुम्हारे पास चाहे माचिस की तीली है और चाहे तुम्हारा पलंग है, चाहे छोटी सी लकड़ी डंडी है और चाहे बहुत बड़ा लकड़ी का फर्नीचर है, सब में अग्नि का तत्व है। लेकिन तुम्हारा पलंग जल नहीं रहा है, ड्रेसिंग टेबल सोफा जिसमें लकड़ी है जल नहीं रहा है, दरवाजा, क्यों? सुषुप्त अवस्था में अग्नि तो है लेकिन सोई हुई है। जैसे ही विशेष अग्नि के संपर्क में आता है, उसके अंदर की सुषुप्त अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो इसमें बड़ी अच्छी बात मनुष्य के लिए बोला गया, बोला हर एक विवेक है। जब तक जागृत पुरुष ब्रह्मज्ञानी संत का संग नहीं मिलता, तब तक तुम्हारे अंदर की जो चेतना है वो सोई रहती है। तुम मन के स्तर तक जीते हो, मनमाना आचरण। किसी की गुड मॉर्निंग सुबह 4 बजे हो जाती है, किसी की 5 होती है, किसी की 6 होती है, किसी की 12 होती है, किसी की 4 बजे तक। एक लड़का रोज शाम को 4 बजे उठता है। किसी ने बोला तुम 4 बजे उठते हो बेटा, बोला हम क्या करें, सनराइज 4 बजे होता है। बोला सनराइज 4 बजे होता है? बोला कैसे? बोला चलो मेरे घर। चारों तरफ उसने अपने घर में मोटे मोटे पर्दे लगा रखे, एक रोशनदान जरा सा खुला था पर्दा। वहां से जरा सा खुला था तब उस खिड़की से उसकी रोशनी उसके मुंह पे आके देखा हो गया। तो क्या ये बात उसकी सही हुई? नहीं सही हुई। बेटा ये पर्दा हटा, सूरज देवता को सुबह ही निकल गया, तूने अपने आप को निद्रा दे। की गोद में क्यों रखा? तो हमारा अपना भाग्य कर्मों से बनता है, तुम्हारे विचारों से बनता है। तो जब हम गुरु की शरण आते हैं तो हमारे अंदर का भी जो सामान्य चेतन है वो विशेष चेतन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जली हुई अग्नि के संपर्क में आने पर हर प्रकार की लकड़ी जल जाती है, ऐसे ही प्रभु का सिमरन साधु के संग, उपजे चहा भी साधु के संग। संग की बहुत महिमा है, दिखने में आता है। लदड़ बच्चे भी, अगर अच्छे बच्चों की संगति मिल जाती है, बच्चे कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और अगर संगति खराब होती है तो तुम्हारा हीरा जैसा बच्चा भी संगति के कारण दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये गुरु की कृपा से ही हम सब लोगों को एक समझ मिलती है कि जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो सब पंच भौतिक हैं, पांचों तत्वों से बने हुए हैं। बोला सामान्य चेतन तो सर्वत्र व्यापक है,
वो अज्ञान का विरोधी नहीं है, लेकिन कौन इस बात को जानेगा जो एक बार भी सत्संग में आ गया कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। चेंज योर थॉट, यू विल चेंज द वर्ल्ड। जैसे जैसे तुम अपने विचारों को बदलते हो, तुम पूरे विश्व को बदल देते हो। बोला संत में तो भगवान साक्षात देखने में आता है, क्योंकि उसने भगवान को प्रकट किया है। इसी तरह से तुम्हारे अंदर में भी भगवान भगवत सत्ता विराजमान है, जीवन शक्ति विराजमान है, लेकिन संतों का संग करके धीरे 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 तुम्हारा विवेक जागृत होता है। तब तुमको भी समझ में आ जाता है जो कार्य एक व्यक्ति कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। एक बार बकरियों के झुंड में शेर का बच्चा आ गया। अब बकरियों के साथ रहने लगा, मैं करने लगा। अब एक दिन वो सब बकरियां जाती थी नदी के किनारे पानी पीने के लिए, ये भी जाता था। एक दिन बड़े शेर ने इसको देखा, बोला अरे ये क्या, ये तो बकरियों के साथ रहकर बकरी जैसा हो गया। तो वो शेर का बच्चा, तो बकरियां तो भाग गई लेकिन वो नहीं भागा। बड़े शेर ने छोटे शेर को बोला, अरे तुम इनके साथ क्यों रहते हो? बोला नहीं नहीं मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। बोला तुम देखो मैं क्यों कर रहे हो, तुम जल में मेरी भी शक्ल देखो और अपनी भी शक्ल देखो। जब वो नदी में लेके गया, अपनी शक्ल भी उसने दिखाई, उसकी शक्ल भी दिखाई, बोला देखो दोनों शक्ल एक है। अब जोर से दहाड़ मार, तुम दहाड़ मार सकते हो, तुम शेर हो, तुम शेर के बच्चे हो, बकरियों के साथ रहकर मैं क्यों करने लगे। कहते जैसे ही छोटे शेर ने बड़े शेर के कहने पर दहाड़ लगाने की कोशिश करी, उसने दहाड़ लगाई तो जितनी बकरियां उसका वेट कर रही थी ना सफर। इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है। हर एक व्यक्ति के अंदर में परमात्मा तत्व विराजित है, लेकिन देह बनकर वो मैं करता रहता है सारे समय। एक मैं कर रहा है, दूसरा भी मैं कर रहा है, तीसरा भी मैं, चौथा भी मैं, सारे समय मैं करते रहते। जब गुरु तुम्हारे जीवन में आता है, अरे तुम तो मन के अधीन क्यों, अहंकार के अधीन क्यों, आलस्य के अधीन क्यों है, कमजोरी के अधीन क्यों हो, क्यों तुम्हारे अंदर में नेगेटिविटी आ जाती है, क्यों तुम उदास मायूस हो जाते हो, क्यों तुम कमजोर हो जाते हो? रोज सत्संग में हवा भरी जाती है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। अपने मन को नो करो गुरु को, इस मन तो अंत तक मैसेज लाएगा। मन का काम हमेशा गिराना है, मन की मर्जी उल्टी फेरी जिसने बंधन डाले। इसीलिए फरमाया गुरु ने मन को अब समझा ले, मन जिस जीत लिया मान जगत बिच पाया। मन माना विरोध, मन माना उल्टी चाल। अब रोज सत्संग सुनते सुनते हाँ सही तो बात है, अब हमने इच्छा नहीं करी, अच्छा देखना शुरू कर दिया, इच्छा में कमजोरी है। अब मैंने मांगना छोड़ दिया, उम्मीद रखनी छोड़ दी, तो मैं उदास भी नहीं, मैं कर सकता हूँ, सारे काम मैं कर सकता हूँ, हर काम मैं कर सकता हूँ। आसमान से तारे तोड़ के नहीं तो लाऊंगा, और कौन लाएगा, तुम इंसान हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे अंदर चार बदलते चले जाते हैं, तब समझ में आता है मैं सच में शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर होता तो मैं इसको संभालता, मैं इसको बीमार नहीं होने देता, मैं इसको बुढ़ा नहीं होने देता,
मैं इसको आदत का गुलाम नहीं होने देता, मैं जीव का गुलाम नहीं, मैं अपने मन का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। मन उल्टा ही बोलता है, तुम नहीं कर सकते। सारे समय कर्ण को दासी पुत्र कहकर उसकी शक्ति क्षीण कर देते, लेकिन जब उसको सूर्य पुत्र कहते थे तो उसके अंदर शक्ति आ जाती। तो तुम्हारा मन तुमको सारे समय तुम कर नहीं सकते। वो सत्संग में बैठकर गुरु बार बार कहता है, मैंने किया, तुम नहीं कर सकते। मैंने अपने मन को जीता है, तुम नहीं जीत सकते। तुम निरिच्छा हो जाओ, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, अहंकार भी नहीं, निरादर भी नहीं। इधर से सुनो, इधर से निकालो। आज हर एक व्यक्ति तो संसार में ही तो रहता है। मन कहता है, अरे ये लोग सत्संग में आकर भी ऐसे हैं, तो ये जो यहाँ की उपज बैठी है कोई विष्णु लोक की थोड़ी ना, ये भी तो संसार की उपज है। जो जितना जितना अपने ऊपर दया करेगा, इन विषय विकारों का, क्रोध का, कितना क्रोध के ऊपर सत्संग किया गुरु जी ने, इच्छा से, अहंकार से, लोभ से, दिखावा से, नक्शेबाजी से, जो जितना अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा वो बच जाएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे मैं अपने आप को बचा बचा के अपने ज्ञान के अनुसार में रखता हूँ। फिर सारी दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेगी, लेकिन अगर तुम्हारा साथी है भगवान तो फिर क्या करेगा आंधी और तूफान। मैं अपने ऊपर भरोसा रखता हूँ क्योंकि मेरे साथ भगवान है। वैसे मैं सबकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं अहंकारी नहीं हूँ, मैं लाचार नहीं हूँ। मैं 10 काम तुम्हारे कर दूंगा जो नीचे है। तुम्हें तो भगवान से पूछा आपकी कामयाबी का रहस्य, बोला भगवत भाव और निरिच्छा बना। मैंने सब में भगवान का भाव रखा और मैं अंदर से निरिच्छा। मैं सत्संग सुनाने के बाद भी मैं किसी में इच्छा नहीं रखती कि तुम मेरे ज्ञान को सुनो और समझो। समझोगे तो तुम्हारा कल्याण हो। अपने आदतों से अपने आप को बचाओ, तुम सम्मान के पात्र बनो। तुम अगर क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच, आवेश में जाओगे, अपमान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। मुझे अपने आप को कैसे रखना मुझे पता है। तो आज गुरु जो सच्चा गुरु होता है वो कभी भी कोई भी बात तुमसे छिपाता नहीं है। बिल्ली ने शेर पढ़ाया और बिल्ली को शेर खावा आया, लेकिन बिल्ली कहाँ चढ़ गई पेड़ के। तो गुरु जी ने बहुत सत्संग किया था इसके ऊपर। बोला जहाँ तुम बैठते हो, नौकरी में रहते हो, घर में रहते हो, सत्संग में रहते हो, समाज में रहते हो, बहुत अच्छे बन के चलते हो। कई बार लोग तुम्हारा मिसयूज करने लगे तो कुछ कहेगी। तो तुम जहाँ सच्चाई हो वहाँ सच्चाई का साथ देना, और फिर वो देखना तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है। क्या तुम बड़ों के आगे बोल सकते हो कुछ? अगर बड़ों के आगे तुम्हें बोलना नहीं है वहां पर, तुम किनारे हो जाओ। कहीं बोलो और कहीं किनारे हो जाओ। और किनारे होके वो पेड़ कौन सा अपनी आत्मा में आ जाए। अगर कोई चार बार बड़ा आदमी कहे तो सुनने के कान भी रखो, लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति के गलत बातों में सहयोग नहीं देना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन विथ इविल, असहयोग आंदोलन। ना मैं बोलूंगा और ना मैं शांत रहूंगा, अपने किनारे हो गया। कोई बहुत रैश ड्राइविंग करता हुआ आ रहा है, करने दो उसको, मैं किनारे किनारे चलूंगा। जी क्या करना, आगे जाके वही भिड़ेगा, लेकिन उससे तो ना भिड़े। तो जहां पर भी, चाहे तुम घर में हो, चाहे तुम नौकरी में हो, अपने काम से काम रखो और हर चीज सीखने के अंदर में समझ रखो। आजकल का कल्चर नहीं आता तो हम क्या करें। और हम लोगों के जमाने में कहा जाता था, डूब चुल्लू भर पानी में डूब मर। तुमको ये बात नहीं आती, तुम
कोई काम नहीं है, मतलब उसका उसका रिजल्ट क्या होगा, सब सीखा तो हर चीज तो तुम्हें आई, हर चीज तो तुम्हें आई तो क्या हो गया। रात्रि इतनी अच्छी बनी है, कितना भी थका टूटा चूर चूर शरीर होता है, रात्रि में जब तुम सोते हो भगवान की कृपा भगवान की करुणा निद्रा देवी की गोद में जैसे ही तुम जाते हो फिर फ्रेश हो जाते हो। जब भगवान नहीं थकता तो तुम क्यों थक जाते हो। आज पेड़ पौधों देखो, फूल खिलता है हम ही तो तोड़ते हैं, पशु पक्षी थोड़ा तोड़ते हैं उसे। हम पेड़ नहीं लगाते हैं, हम पानी भी नहीं देते, हम खाद भी नहीं देते, लेकिन हम चुरा के जाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, खाए के लिए। अपने घर में लगाओ ना गमले में, मेहनत करो उसके साथ, पौधों को बच्चों के तरीके से पालो, तब वो कुछ बुझा के देवता को चढ़ाओ जाके। तो ऐसे ही जिंदगी में ये सत्संग हर प्रकार की मेहनत करना सिखाता है। अपने साथ भी मेहनत करो, अपने मन को उठने नहीं, अपने मन को नाराज मत होने दो। मुझे अपने आप के साथ बहुत प्यार है, बेवकूफी करो तुम सदा में अपने आप को ना, मैं अपना ब्लड जलाऊं तुम्हारे ऊपर क्रोध का ना, मुझे कोई जरूरत नहीं। इसीलिए इसने ये बताया कि सत्संग बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी तुमको समझ लेता है, लेकिन कदम कदम पर तुमको तुम्हारी सावधानी, शांति में बैठकर अपने आप से पूछो क्या मुझे यहाँ बोलना चाहिए, इसका परिणाम क्या है। अगर परिणाम गलत है तो शांत हो, क्या हो, लोग बुद्धू तो कहेंगे बन जाओ, लेकिन चूंकि सांप क्या बहुत बीमारी है, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, कि तुम्हें मैं लेके डूब जाती, फिर सफाई देने लगती। नहीं तो सत्संग घर में परिवार में नौकरी में धंधे में समाज में तुम्हारे लिए सुरक्षा का कवच बनकर तुम्हारे साथ रहता है। नहीं समझ में आए बात कर लो, श्रद्धा और विश्वास रख के। इसीलिए इसमें बोला कि सामान्य चेतन और विशेष चेतन, हर एक व्यक्ति के पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, अगर वो करना चाहेगा तो वो कर लेगा, और नहीं करना चाहेगा तो दीवार से सर भी फोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, पत्थर से हरी प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई उपला के देख ले। तो ये धीरे धीरे गुरु के ज्ञान से हमारे अंदर सच की ज्योति प्रकट हो जाती है, तब हमको सब तरफ एक ही परमात्मा का दीदार होने लगता है। पूरा साधना कैसे करनी चाहिए, जैसे लालटेन का जो शीशा होता है, जब बहुत देर तक लालटेन में लालटेन जलती रहती है तो शीशा क्या हो जाता है, काला हो जाता है। अब पूरी तरीके से प्रकाश शीशे से पास आउट नहीं होता, तो वो काला से प्रकाश बाहर नहीं आ रहा। तो समझदार आदमी क्या करता है, ऊपर से थोड़ा सा उठा के कांच निकाल देता है, फिर कांच को तो धो लेते हो, साफ कर लेते हो, पोंछ करते हो, फिर जैसे लगाकर दिया जलाते हो लालटेन, फिर चारों तरफ उसका प्रकाश फैलने लगता है। ऐसे ही सबके अंदर में परमात्मा की शक्ति व्याप्त है, लेकिन मन ने विषयों का संग कर करके अपनी सोच को बहुत काला बना रखा है, काला चश्मा पहना है, सब तरफ उसको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। अब रोज सत्संग में आते 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 अपने अंदर मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रयत्न दिखाई, जहां सफाई वहीं खुदाई, फिर उस प्रकाश के अधिकारी
तुम्हारे सहित बहुत सारे लोग हो जाते हैं। एक जागृत पुरुष से उसके सहित कितने सारे लोगों का कल्याण हो जाता है। तो ये सत्संग हमारा हर जगह खड़ा होने की समझ दे देता है। मैं गलती करता नहीं हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ, इच्छा करता नहीं हूँ, चाहना करता नहीं हूँ, आज संकल्प करता हूँ। हे प्रभु, मेरा जीवन तुम अपने जैसा बना दो। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला कि हर श्वास हो तेरे सिमरन की माला। श्वास के लिए ग्रास की व्यवस्था भगवान ने करी है, श्वास के लिए सिमरन की व्यवस्था हर व्यक्ति को खुद करनी है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, तब मन अंतर की उतरे जिंद। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करके तुम्हें बहुत गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुनिया का काम ना। लेकिन ज्ञानी उसको पता है मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ। थोड़े समय के लिए परीक्षा होती है, 3-4 साल कहीं पर भी तुम रहते हो, चाहे तुम घर में रहते हो, चाहे तुम नौकरी में रहते हो, चाहे तुम समाज में रहते हो, हर व्यक्ति बोला सत्संग में आने पर 3 प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। पहले दुनिया तुमको देखती है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहे हैं, फिर तुम्हारे टोका टाकी करते हैं, तुम्हारे रहने की तुमको रुकावट तुम्हारे जीवन में डालते हैं, मना करते हैं, तुम्हारा विरोध करते हैं, तुम्हारा विरोध करते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। तो इसके लिए ही वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखते चलो सबको। इंतजार ये मत करना कि लोग मुझे भगवान समझें, इंतजार ये करना कोई बात नहीं, आज मैंने ए सीखा है तो कल मैं जरूर बी सीखूंगा। तो धीरे 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 करत करत अभ्यास के, जड़वती हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। हमको तो लगता है दूसरों की बातें सुनने की सोचने की अपेक्षा कुछ अपने कल्याण के लिए सोचें। बच्चे हैं हम कहते हैं बेटा व्यर्थ में समय नहीं बर्बाद करो, अपने कल्याण के लिए कुछ पढ़ लो, कुछ लिख लो, कुछ सोच लो। जवान हो, हर चीज देखो तुम और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सत्संग को इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की क्लास भी कह सकते हो, सेल्फ डेवलपमेंट की क्लास भी कह सकते हो।